बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद इरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हलवा पूड़ी के साथ जो चने मिलते हैं वो हम बनाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं पूड़ी और हलवे की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप वो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलें मज़ेदार से ये हलवा पूड़ी वाले चने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा पूड़ी वाले चने बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चने। चनों में मैंने आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के इसको रात भर पानी में भिगो दिया था। इसके बाद 4 ग्लास पानी डाल के और 1 चाय का चम्मच नमक डाल के चनों को मैंने बॉईल कर लिए। अब चनों के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो देचकी में सबसे पहले आधा कप ऑयल डाल देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च। 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को भून लेंगे। अब चनों में हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ खुश धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, नमक चूँकि पहले भी हमने डाला था चने बॉईल करते वक्त, इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 चौथाई चाय का चम्मच। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले हमारे भून चुके हैं, अब जो बॉईल किए हुए चने हैं वो हम इसमें डाल देंगे। चनों को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। चनों के साथ जो पानी है वो भी मैंने साथ ही डाल दिए। थोड़ा सा पानी मैं इसमें मज़ीद डाल रही हूँ, तकरीबन आधा कप। अब 15 मिनट के लिए कवर करके इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। 15 मिनट गुजर गए, अब हम चेक कर लेते हैं कि पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही है। तो इसको अब हम गर्म गर्म पूड़ी और हलवे के साथ सर्व करेंगे। और ये बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से जैसे चने मिलते हैं वैसे ही हमने बनाए हैं। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हलवा पूरी के साथ जो चने मिलते हैं वो आपके कैसे बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद इरम।